तो अभी तक आपने बॉर्डर कितने देखे थे कि सब लोग अभी तक? हमेशा हम बॉर्डर कौन सा यूज करते आए हैं, सबको याद होगा, सिंपल सॉलिड है ना। अब देखो, अब मैं आपको दिखाता हूं बॉर्डर के टाइप। हम क्या पढ़ रहे हैं, सीएसएस को हम थोड़ा डीपली में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखो आप बॉर्डर दिख रहे हैं, सॉलिड डैश डबल ग्रुप राइट इनसाइड आउटसाइड नन हिडन मिक्स्ड। अभी तक हम कौन सा यूज करते थे, सिर्फ सॉलिड यूज करते थे ना। तो ये भी बॉर्डर होते हैं, सारे क्या है हमारे बॉर्डर, ठीक है। सारे क्या है, बस क्या करना हो तो भी डैश लगा लो डबल लगा लो। अब देखो मैंने यहाँ पे कैसे लिखा है, मैंने यहाँ पे देखो, आप एक्सटर्नल सी एस एस यूज कर लेना है ना, एक्सटर्नल सी एस एस है ना। तो देखो ये लिखा है मैंने पी डॉट क्लास सॉलिड डैश डबल है ना। अब इनकी मैंने क्या किया हुआ है, सी एस एस वहाँ रखी है। देखो ये इस तरीके से, आप इस तरीके से लिख सकते हैं, बॉर्डर स्टाइल डैश बॉर्डर स्टाइल सॉलिड बॉर्डर स्टाइल डबल बॉर्डर स्टाइल है ना। तो ये नोट करने की जरूरत नहीं है, मतलब लिखने की मैं आपको चैट में दे रहा हूँ, और आप नोट करते जाओ उसको, चैट में सेंड कर रहा हूँ। हेलो, चला के सब देख लेना जैसे। एक्सटर्नल सीएसएस कॉल कर लेना है ना, चाहिए। अच्छा, तो वेज जोन करना है क्या आपको? किस किस चीज के? कौन से, किस कॉलेज से? अच्छा, सर ने बात सच्ची बोलो ना, रवि का मैं कोई और समझ रहा था। अच्छा, मुझे याद आ गया। हाँ हाँ ठीक है, मुझे याद आ गया, याद आ गया सबका फोन आया था। हाँ कोई एक काम करना, आप मुझे अभी तो मैं बैच ले रहा हूँ है ना, या तो मुझे मॉर्निंग 12 1 बजे के आसपास कॉल करना। सेमेस्टर कौन सा है आपका, आप कहाँ रहते हो अभी? हाँ तो आप ऑफिस आ सकते हो कल भी, तो फेस टू फेस बात कर सकते हैं आराम से है ना। बच्चे आते हैं ना आपके 8 सेम के आते हैं मेरे यहाँ अभी है ना, तो आप एक काम करना कल 2 बजे के 4 बजे 3 4 बजे के आसपास आ जाना, 3 बजे या 4 बजे के आसपास। 8 दुकान पे 30 फ्लोर 8 दुकान, हाँ 30 फ्लोर पे, ये दरबार कॉलोनी 8 दुकान, 30 फ्लोर दरबार कॉलोनी 8 दुकान। मैं लोकेशन आपको दे दूंगा। आप 30 फ्लोर किस जगह रहते हैं? हाँ तो ज्यादा दूर नहीं है। हाँ, फिर तो अंदर ये वो नहीं है, साईं बाबा मंदिर देखा होगा, साईं बाबा का मंदिर कभी गए हो? मैं बना हुआ है दरपा कॉलोनी 34। हाँ दरपा कॉलोनी 8 दुकान पे ही, उसमें लोकेशन दे दूंगा, तो उससे आप आ जाना 3 4 बजे के आसपास, ठीक है। ओके ओके, हो गया नोट, इतना चला के देख ली सबने, आवाज आ रही मेरी? हेलो हेलो, चल गया ना सबका? अब देखो यहाँ पे सब लोग, देखो मैं चीज दिखाता हूँ आपको। अब मैंने डिप बनाया, डिप ने क्लास बनाई आर नाम की है ना। अब मैं इस आर पे कुछ काम करने वाला हूँ। देखो अभी हम लोग क्या समझ रहे हैं, बॉर्डर को है ना, आर देखो। अच्छा ऐसे लिख लो बॉर्डर स्टाइल,
ऐसे लिख लो सॉलिड, फिर मैं क्या लिखूंगा बॉर्डर का, क्या लिखूंगा फिर यहाँ पे बॉर्डर की ब्रिथ लिखूंगा, बॉर्डर की ब्रिथ कितनी है, हाँ मैंने लिख दिया 5 पिक्सल, या बॉर्डर का कलर ऐसे, है ना आ रहा है, ठीक है। अब चाहे ऐसे लिख लो ये चीज, चाहे बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड कर दो, ठीक है, बात एक ही है, क्लियर, समझ आया कि नहीं आया आप लोगों को। तो लिखने का तरीका है ऐसे, जैसे अभी आपने देखा आप सोचे बॉर्डर स्टाइल जी किस तरीके से लिख रहे हैं, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, बात एक ही है। अब देखो यहाँ पे, अब मैंने कहा कि बॉर्डर BOR बॉर्डर टॉप से, मुझे टॉप का कलर चेंज करना था, मैंने कर दिया, देखो कलर चेंज हो गया, मैं बिल्कुल थोड़ा देता हूँ, देखो आप लोग देखो कलर चेंज हो गया। अब उसने कहा कि बॉटम का बॉर्डर अलग कर दो, ठीक है, बॉर्डर बॉटम की स्टाइल डॉटेड कर दो, डॉटेड कर दी, डॉटेड। उसने कहा कि लेफ्ट वाला बॉर्डर हटा दो, बॉर्डर लेफ्ट स्टाइल, बॉर्डर लेफ्ट स्टाइल नन कर दिया है, नन गायब हो गया, दिख रहा है बॉर्डर लेफ्ट वाला, सुना ना, कोई आपसे बोलता है कि बॉर्डर ऐसा कर दो वैसा कर दो ये कर दो, तो आप क्या यूज कर लोगे, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट हाइट कलर स्टाइल। अब ब्रिथ थोड़ा नहीं है, उसने कहा ब्रिथ थोड़ा दो टॉप वाले की, बॉर्डर टॉप की ब्रिथ कर दिया बनने 20 पिक्सल वाली टॉप के लिए, ठीक है ना, समझ आया ना, इस तरीके से हम बॉर्डर को यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले ये लिखो, तरीके हैं काम करने के, नोट हो गया, नोट हो जाए बता देना, नोट हो जाए सब बता देना, हो गया नोट सबका, बताओ बाकी लोगों का। चलो अब देखो, अब एक चीज देखो,
अब देखो फोटो फ्रेम देखा आप लोगों ने, फोटो फ्रेम देखिए सबने, फोटो फ्रेम होते हैं लिखा है यहाँ पे बॉर्डर फोटो फ्रेम, ये देखिए आपने सबके घर में फोटो फ्रेम लगे होते हैं। तो मान के चलो क्लाइंट ने आपसे कहा, मैंने क्या किया देखो, मैंने डिप बनाया, डिप के अंदर क्लास बनाई ए नाम की, उसमें मैंने इमेज लगा दी ठीक है, और इस डिप पे मैंने क्या किया देखो, इस डिप पर मैंने ये काम किया, बॉर्डर विड्थ हाइट सेट कर दी। तो अब देखो क्या दिखता है यहाँ पे, देखो आपको दिख रहा है बॉर्डर, ये बॉर्डर के अंदर आपको इमेज दिख रही होगी सबको, ठीक है। अब मुझे इस बॉर्डर पे फोटो फ्रेम लगाना है, जो आप देखो दिख रहा है फोटो इमेज होती है यार, इमेज देखो ये इमेज है, ऐसी इमेज देखिए, ये फ्रेम्स होते हैं फ्रेम्स से है ना, ये इमेज हमें इसके अंदर सेट करनी है। तो अपन क्या करेंगे, जीवन डेटा मिल जाती है ना, बॉर्डर इमेज, बॉर्डर इमेज ठीक है, लिखा मैंने URL, फिर img/13.png, देखो अभी आई क्या इमेज, अभी से कोने कोने आए, देखो क्या आए हैं, चार कोने आए हैं, आए हैं सिर्फ इमेज के, सबको देख रहे होंगे चार कोने। अब इमेज कैसे आएगी, पूरी इमेज कैसे आएगी, अब ये सोचने वाली बात है। तो आप लोगों ने बचपन में देखा होगा गुड़िया, नाम सुना है गुड़िया के बाल, तो गली में एक साइकिल लेके आता था, शक्कर दो, शक्कर डालता था मशीन में घुमाता था, याद है, और बाल बनते थे, याद है सबको गुड़िया के बाल, हाँ अभी बनते हैं, पता नहीं कुछ नाम कहते हैं इंग्लिश में, उसका इंग्लिश नाम याद नहीं है मुझे, हाँ कॉटन कैंडी, याद है सबको है ना। तो वही सेम काम हमें यहाँ करना होगा, हमें यहाँ पे भी राउंड चलाने होंगे, राउंड। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ लिखूँ राउंड, RUND राउंड, लिखा मैंने 5, ठीक है ना, 5 में क्या अंतर आएगा, कितना आ गया, जैसे जैसे मैं राउंड घुमाऊंगा, मैंने कर दिया 10, देखो देखो है ना, अब मैं कर देता हूँ 50 40, आपको और करते जाओ कर लो, देखो करें जैसा आप जो इमेज को रखना चाहते हो वैसा आप रख सकते हो, देखो नहीं नहीं जी इमेज डाउनलोड किए, हाँ जी डाउनलोड करिए यहाँ से, ये ना बॉर्डर इमेज होती है ना, बॉर्डर इमेज है बताता हूँ जी, बॉर्डर इमेज बोलते हैं बॉर्डर इमेज। तो अभी तुम्हारे पास कोई इमेज नहीं है, तो आप क्या करोगे, जैसे मैं कोई और लगा देता हूँ तुम्हें समझाने के लिए, जैसे मैं ये लगा दी अभी, तो कोई सी लगा के चेक कर लेना, तो बाद में चेंज कर लेना, डाउनलोड कर लेना, मैं 21.jpg लगा दी, JPG ठीक है, तो अभी इस तरीके से दिखेगी आपको, ठीक है चलो इसको नोट करो, अलग बनाना फाइल, अलग फाइल बॉर्डर इमेज। अब देखो हम क्या पढ़ रहे हैं अच्छे से, बॉर्डर की प्रॉपर्टी। अभी स्टार्टिंग में क्या दिखा था हमने, सिंपल डिटेल, सिंपल चीजें, और अब क्या देख रहे हो आप इसको डिटेल में समझ रहे हो, जो थोड़ा सीएसएस अच्छा हो जाएगा तुम लोगों का, तो फिर और अच्छे से आप वेब पेज बना पाओगे और अच्छे तरीके से। बॉर्डर इमेज अलग बनाना फाइल सब लोग, बॉर्डर इमेज उसमें नोट करना है, बॉर्डर इमेज उसमें नोट कर लो, पहले डिप के अंदर क्लास बनाओ ये नाम की, और इमेज SRC कर लो, ये
एसटीवी नोट हो गया जी, एसटीवी वाला पार्ट। मंडे को सबके टास्क चेक होंगे, अब जैसे हो बनाओ, कैसे भी के बनाओ, मार्जिन लगाओ, पैडिंग लगाओ, बनाओ, कम से कम जितना आपने पढ़ा होते हैं कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। अब ये नोट कर लो, हाँ नोट हो गया सबका। अरे कोई सी लगा लो अभी तो अल्पसार के लिए, देखो मैंने दूसरी लगा दी ना, फिर डाउनलोड कर लेना इनमें से बाद में कोई, अभी तो कोई सी लगा लो, अभी तो कोई सी लगा लो चेक करने के लिए, तो बाद में चेंज कर लेना, ठीक है, अभी तो कोई सी लगा लो। हो गया नोट, हो गया नोट। बाकी लोगों का, बाकी लोगों का हो गया। चलो अब देखो, अब देखो बॉक्स शैडो क्या होता है, हम तो बॉक्स शैडो, बॉक्स हेड समझते, बॉक्स हेडो देखो समझाता हूं, हाँ जी पबजी तो ब्रेथ ब्रेथ का उसको इमेज 100% करो उसका, मैं 100% नहीं किया हमने जब मैं किया था अभी। देखो आपको सेट दिख रहा है बॉक्स के पीछे, सबको दिख रहा है शैडो पीछे आ रहा है, देखो शैडो ऐसा लग रहा है 3D टाइप का लग रहा है देखने में, 3D ना
तो अपन ने क्या किया, सबसे पहले देखो ये देखो, एक विड्थ लिया 300 पिक्सल, एक हाइट लिया, पैडिंग ली, बैकग्राउंड लिया, और फिर क्या लगा दिया अपन ने, बॉक्स साइज, बॉक्स शेडो। और बॉक्स शेडो अपन ने क्या लिखा, 10 10 10। अभी 10 10 कैसे काम कर रहे होंगे पता है, समझाता हूं देखो। चेक किया देखो सब लोग, यहां पर देखो, अब ये पहला 10 वाला कहां चल रहा होगा, ये पहला 10 वाला लेफ्ट से राइट चलता है, दिख रहा है सबको लेफ्ट से चलते हुए, लेफ्ट से राइट। दूसरा वाला टॉप टू बॉटम, ठीक है। तीसरा वाला इसका जो शेडो होता है ना वो कम ज्यादा करता है, देखो देखो एकदम डार्क आ गया, हल्का करना है हल्का कर लो देखो, ठीक है। ये बंद कर दूंगा तो नॉर्मल रह जाएगा, देखो समझ आ गया, बॉक्स हटाओ, नो नोट नोट कर लो, ये नोट कर लो बॉक्स हटाओ। हाँ उसी में कर लो, उसी में कर लो, उसी में लगा लो, इमेज वाले में लगा लो, इमेज वाले में लगा लो, उसी में लगा लो अपने इमेज वाले, जो इमेज बनाई है ना उसी में लगा लो बॉक्स हेडो। कौन सी थी इमेज वाले, अपनी इमेज वाले, इमेज वाले लाइन लगा लो बॉक्स हेडो, बॉक्स हेडो मतलब एक तरह का पीछे शेडो आ जाता है, थोड़ा थ्री टाइप का लगने लगता है। क्या बोलो, हाँ हाँ स्टार से होता है कि जो थोड़ी थोड़ी स्पेसिंग रहती है ना उसके लिए करते हैं, और सबके लिए नहीं करते हैं, और सबके लिए नहीं करना, और समय लगाना भी नहीं, जो थोड़ी हाँ हाँ भाई थोड़ी थोड़ी स्पेसिंग रहती है ना उसको कवर कर लेते हैं पूरे पेज पे। हाँ 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 मगर मगर हाँ क्लास के लिए, हाँ नहीं 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 अब ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पीछे एक चीज़ें क्लियर नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है, ये सब बता चुका हूँ मैं साजी ने, पता है पता है। हम डायरेक्ट डायरेक्ट कब लगाते हैं देखो, डायरेक्ट कब लगाते हैं देखो, ये चीज़ देखो डायरेक्ट अपन कब लगाते हैं, अब ये मैं लगाया, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या, नेव के नेव इसका क्या, नेव के अंदर जाओ, ये तो तुम बोल रहे हो ये ऐसे लगा लेते हैं, इसका मतलब क्या हुआ। हाँ और उसके अंदर क्या है, नहीं ये तो कंसेप्ट के लिए नहीं है तुम्हारे, ये तो मैं कह रहा हूँ कंसेप्ट के लिए नहीं है। अब मैं इस इमेज पे काम कर रहा था, इस इमेज पे ये वाली मेरी इमेज है। अब चाहे अब मैं इसके अंदर एक क्लास बनाऊं, ऐसे अलग से क्लास बना के लिखूं img, फिर उस क्लास को यहाँ पे ऐसे कॉल करूं .img, ऐसे ये ऐसे कॉल करूं अलग से, है ना, इतना टाइम गया गया, इतना कोड लिखना पड़ा फालतू का, जब वो पहले ही से फिक्स है, जब आपको दिख रहा है कि ये नेव के अंदर ये काम कर रही क्लास टैग, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि भाई नेव के अंदर जाओ, वहाँ पे आपको img नाम का टैग मिलेगा, उस पर ये काम ये कोड कर दो। हाँ तो ये तो पूछ रहे हो, यहाँ पे नेव ये इसमें इसमें, तो फिर अपन यहाँ पे इसको टैग बनाते, फिर ये फिर इसको यहाँ हटा देते, फिर हम फिर यहाँ पे ऐसे करते नेव टैग यूज करते, फिर हम ये था हाँ तरीके रहते हैं वैसे, ठीक है। सब लोग प्रैक्टिस करना, मंडे को सबके टास्क।